अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। 40 साल हो गए नवी मुंबई में छिड़को आने के बाद, और हमारे यहाँ के किसानों ने हमारे जमीन पे खेती में हम लोग चावल बोते थे, और वो खेती पूरी अनाज की खेती ये लोग ने छिड़को ने ली। उसके बाद में हमको 12.5% का वाटर टाइम पे हुआ नहीं। अगर वो टाइम पे होता था तो हमारे लोग खेती में घर नहीं बनाते थे। इसी के लिए ये 12.5% का वाटर नहीं हुआ, सालों साल लोग अपने मकान बढ़ाते गए, घर गृहस्थी बढ़ती गई, और उस घर गृहस्थी बढ़ने में लोगों को वक्त हो गया, और 40 साल हम लोग राह देखते बैठे। और हमारे गांव के आजू बाजू में 12.5% का जो प्लॉट था उसमें बहुत सारे हमारे भूमि पुत्रों ने घर बना लिए। उनकी भी मजबूरी ऐसी थी कि इन्होंने 12.5% का वाटप अगर वक्त पे किया होता तो ये मुश्किलें नहीं आती थी। अभी कल ही सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि गांवटन विस्तार में जिसके भी घर है उसको रेगुलाइज किया जाएगा, जिस जगह में है उसी जगह में किया जाएगा। और 250 मीटर उनकी बाउंड्री बढ़ाई, पहले 200 मीटर थी, अभी 250 मीटर। और दूसरा है कि 5 घंटे और 2.5 घंटे का ही घर रेगुलाइज किया जाएगा। मैं सरकार का मैं अभिनंदन करती हूँ कि 40 साल के बाद आज पहली बार गांवटन विस्तार एक पेपर पे आया है, और पेपर पे लोगों को आज राहत मिल रही है। मगर कब मिलेगी? जब सब मुश्किलें हल होगी और उनका नाम पे उनको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, तब जाकर ये मुश्किलें हल होगी। इसमें पहले तो कमर्शियल 25% देना चाहिए गांव में, क्योंकि गांव में छोटे छोटे घर में छोटी छोटी दुकानें होती है, फिर पान की, दूध की चक्की होती है, होटल होता है, वड़ा पाव वाला होता है, टेलर होता है, ऐसे हजारों दुकानों गांव में रहती है। तो हमने जब ही छिड़को MD भाटिया साहब थे तभी हमने 25% हमने टक्का मांग की थी, तो 15 पे आए थे, तो कम से कम 20 अगर मिल जाएगी तो सबका रोजी रोटी है वो अच्छे से चलेगा, लोगों को मकान के साथ दुकान भी मिल जाएगा। वो एक हमारी मांग थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो भी लोगों ने घर बनाए हैं, तो किसी ने 500 का बनाया, किसी ने 600 का, किसी ने 200 का, जो भी पेनल्टी लगानी है वो पेनल्टी लगा कर, घर तो तोड़ना नहीं है। अभी किसी का, अभी मेरा 6 घंटे का घर है तो मैं 1 घंटा तो बाजू में नहीं निकाल सकती हूँ ना। मुझे सरकार से मेरी राय है कि मेरे को जो घर मेरा जिस एरिया में जिस तरीके से बना उसी तरीके से हमको तुम रेगुलाइज करो। सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, हम सरकार के निर्णय का आदर करते हैं, मगर आदर करते वक्त हम ये सोचते हैं कि 6 घंटा है तो उसमें 5 घंटे का करेंगे तो 1 घंटा निकाल के तो नहीं रख सकते। तो जिस जगह में जिस तरीके से जिस टाइप का घर बना है वो रेगुलाइज होना बहुत ज़रूरी है। पहले एक बात चल रही थी कि 4 FSI मिलेगा, लोगों ने 4 FSI के हिसाब से घर बनाए। अभी हमारी डिमांड है कि हमको 4 FSI भी चाहिए, कमर्शियल हमको 25% कमर्शियल हमको चाहिए, और प्रॉपर्टी कार्ड चाहिए हमारी डिमांड है। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के पास भी इसका डिमांड करेंगे, पालक मंत्री के पास करेंगे, और आने वाले अधिवेशन में इस पर आवाज़ उठाएंगे।